अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सांप और मोर जन्नत में रहते थे, मगर सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। शैतान जब मर्दूद लानती हो गया तो इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह सुबहान व तआला ने शैतान को जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत में खाने पीने और घूमने फिरने को बहुत कुछ था, लेकिन तन्हा अकेले होने के कारण हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहने लगे। फिर अल्लाह सुबहान व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पछली से बीबी हवा को पैदा किया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ पाकर जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और इसका फल मत खाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे, वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी हुआ करते थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू भी आती थी, और मोर जितना अभी खूबसूरत है वो इससे भी कई ज़्यादा उस वक्त खूबसूरत था जब वो जन्नत में था, और मोर के पैर भी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुआ। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। इन दोनों ने कहा, हमें अल्लाह ताला के खौफ है और हम तुम्हें जन्नत नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन दोनों से दोस्ती का वास्ता दिया कि हम सब एक साथ जन्नत में रहे हैं, मुझे भी जन्नत ले चलो। इस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में ले जाकर उगल देगा, इस तरह कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने इसे निगल लिया, और इस तरह शैतान जन्नत में दखल होने में कामयाबी हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से मुलाकात किया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उस दरख्त का फल क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने बोला, अल्लाह पाक ने हमें इस दरख्त से दूर रहने को कहा है और इसका फल खाने से सख्त मना फरमाया है, इसलिए हमने वो फल अभी तक नहीं खाया और नहीं खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा के पास आया और उसे बहकाने लगी और कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल इसलिए खाने से मना किया है, कहीं वो फल खाने के बाद तुम फरिश्ता ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में ही ना रहने लगो। बीबी हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त के फल खा लिया, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो इन्हें भी बहुत इसरार किया और मजबूर किया, और फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया, इनका जन्नती लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा, मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना किया था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से निकलकर ज़मीन पर भेज दिया और इनसे कहा कि ज़मीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लाने के लिए मोर की खूबसूरती छीन ली। जिस पैर से शैतान को जन्नत में लाया, अल्लाह ताला ने मोर की वो पैर बदसूरत बना दिया। जिस मुंह से सांप ने मोर को शैतान को मदद करने के लिए मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने सांप की उस मुंह का अबरक की खुशबू छीन ली और उस मुंह पे जहर डाल दिया, और सांप के पैर छीनकर मोर और सांप को जन्नत जैसी जगह से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। इसलिए मोर आज भी अपनी परों को देखकर खुशी होता है, लेकिन जब भी अपने पैर देखता है तो उसको रोना आता है।